विधानसभा 2022 के दूसरे चरण का मतदान जनपद मुरादाबाद में 14 फरवरी को संपन्न कराया जाएगा, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा मुरादाबाद के अलग अलग थाना क्षेत्रों में मार्च किया जा रहा है। जनता को भयमुक्त करने के लिए और पूरी ईमानदारी से वोट करने की अपील की जा रही है। पुलिस के आला अधिकारी गांव गांव जाकर जनमानस को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। इसी उद्देश्य को लेकर छजलैट पुलिस द्वारा छजलैट के इलाके में फ्लैग मार्च किया गया। पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा जनमानस से यह अपील भी की गई कि सभी लोग पूरी ईमानदारी के साथ चुनावी प्रक्रिया में भाग लें, किसी के दबाव में ना आएं, किसी के लालच में बिल्कुल ना आएं, और सभी को आगाह किया कि कोई भी मतदाता किसी के भी बहकावे या भय में बिल्कुल ना आए, अपने विवेक से और अपनी मर्जी से मतदान करने का काम करे। अगर कोई कहीं मतदाता को दबंगई दिखाता है या कोई लालच देता है तो उसकी सूचना स्थानीय थाने में जरूर दी जाए, ताकि ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। प्रत्येक मतदाता को पूरी ईमानदारी के साथ मतदान के दिवस अपना वोट करना है और अच्छी सरकार बनानी है। किसी भी राजनीतिक या गैर राजनीतिक पार्टी की बातों में बिल्कुल ना आए, किसी व्यक्ति विशेष के बहकावे में ना आए, अगर कोई लालच देता है तो उसके बहकावे में ना आए, अपने विवेक से काम लें और भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करें। हमारा संविधान हमें देश की तरक्की के लिए, हमारे भविष्य के लिए हमें वोट करने का अधिकार देता है, इसीलिए पूरे मन से और अपने विवेक से काम लें और ऐसे व्यक्ति को अपना नेता चुने जो उनके शहर के विकास में अपनी भागीदारी रखता हो, अपना योगदान देता हो। हमें ऐसे ही व्यक्ति को चुनना है जो हमारे देश के बारे में, हमारे प्रदेश के बारे में, हमारे शहर के बारे में और हमारे कल के बारे में सोचता हो, बिना किसी के दबाव, बहलाने, फुसलाने में बिल्कुल ना आकर सिर्फ अपने विवेक से काम लें और 14 फरवरी को मतदान अवश्य करें। सारे काम बाद में करें, पहले मतदान करें।